नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है बिजनेस वे चैनल में। आज हम आपको बताएंगे स्लीपर मेकिंग मशीन के बारे में। चप्पल उद्योग से रिलेटेड कौन कौन सी मशीनें आपको चाहिए होती हैं और कौन कौन से आपको रॉ मटेरियल चाहिए होते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा लें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो हम जो है आपकी नोटबुक मेकिंग मशीन के लिए डालेंगे, तो आपको आसानी से नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं, ये आपकी स्लीपर बन रहे हैं, ये आपकी सोल कटिंग मशीन है। इसमें सभी तरह के आपके सोल कट जाते हैं, छोटे या बड़े या जो भी साइज का आप स्लीपर बनाना चाहते हैं, चप्पल बनाना चाहते हैं, तो आप इसमें आसानी से बना सकते हैं। इसमें आपकी दो या तीन चार मशीनें होती हैं, जैसे कि आपकी स्लीपर कटिंग सोल हो गया, सोल कटिंग मशीन, एक आपका हो गया ग्राइंडिंग स्ट्रैप मशीन हो गया, पफिंग मशीन हो गया, ड्रिल मशीन हो गया, प्रिंटिंग मशीन हो गया। ये तीन चार मशीन तरह की मशीनें होती हैं और ये अलग अलग कैपेसिटी की होती हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा गाइड करना चाहूँगा, अगर आप मशीन खरीद रहे हैं तो सबसे पहले आप मशीन की पूरी डिटेल जान लीजिए, आपको कौन सी मशीन खरीद रहे हैं या कौन सी मशीन आपको लेनी चाहिए या कौन सी मशीन आपके लिए सूटेबल रहेगी। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप कोई भी मशीन खरीद रहे हैं चप्पल बनाने के लिए, तो उसके लिए आपको कम से कम 10 टन की मशीन खरीदनी चाहिए। जो आपकी सोल कटिंग मशीन होगी वो आपकी कम से कम 10 टन की होनी चाहिए। कुछ लोग 5 टन की मशीन खरीद लेते हैं, उससे आपको थोड़ी प्रॉब्लम होती है क्योंकि उसमें इतना पावर नहीं होती। तो 10 या 15 टन के लिए मैं बोलूँगा आपको, या तो 10 टन की लीजिए या 15 टन की लीजिए। 10 टन और 15 टन में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, ज़्यादा से ज़्यादा 7-8-10 हज़ार रुपये का डिफरेंस होता है, लेकिन आपको मशीन अच्छी मिल जाती है। तो जब भी आप मशीन किसी से भी खरीदेंगे तो उसके लिए आपको को जो भी मशीन, जहाँ से भी मशीन खरीद रहे हैं, उनसे पूरी डिटेल लीजिए। मशीन कितने टन की है, कितना पावर लेती है, कितना मोटर है, ताकि आपको जब आप प्रोडक्शन स्टार्ट कर दे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आए। और इसके बाद फिर आपके पास ड्रिल मशीन अच्छी होनी चाहिए, पफिंग ग्राइंडर अच्छा होना चाहिए। उसका रीज़न ये है, मैं आपको बता देता हूँ कि आपके पास में जो भी आप मशीनरी या टूल्स या जो भी इक्विपमेंट्स आप खरीद रहे हैं प्रोडक्शन के लिए, उसमें आपके समय की बचत होती है। और बचत जो होती है वो समय की होती है, लेबर की होती है। अगर आपकी लेबर कॉस्टिंग ज़्यादा आएगी तो आपको मुनाफा कम होगा। और अगर आपके पास अच्छी क्वालिटी के मींस इक्विपमेंट हैं या आपके पास मशीनें अच्छी क्वालिटी की हैं, तो आपको प्रोडक्शन ज़्यादा मिलेगा। प्रोडक्शन ज़्यादा मिलेगा तो आपको प्रॉफिट ज़्यादा आएगा। ये मैं आपको डीपली बता दे रहा हूँ। अगर आपका मन है या आपने कभी सोचा है या फ्यूचर में प्लानिंग है आपकी स्लीपर मशीन बनाने के लिए, स्लीपर मशीन से चप्पल बनाने के लिए या मैनुअल मशीन से चप्पल बनाने के लिए, जो भी आपका वो होगा, तो उसमें आप सबसे पहले बस यही देख लेना कि आप जो भी मशीन खरीदें वो आपकी अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए, नंबर एक। नंबर दो, आपके सारे इक्विपमेंट, सारी मशीनें अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो आप मशीन खरीद लें और आपका प्रोडक्शन कम आए, उससे आपको क्या होगा कि आपकी लेबर कॉस्ट ज़्यादा आएगी। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, जानकारी अच्छी लगी, तो हमारा हमको आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं वीडियो अच्छी है, या जो भी आप कहना चाहते हैं, लाइक करना चाहते हैं, डिसलाइक करना चाहते हैं, वो भी कीजिए। कमेंट्स में आप जो कहना चाहते हैं वो कहिए। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप मशीन की जो भी जानकारी अगर आपको चाहिए तो हमारे दिए हुए नंबर पर आप फ़ोन कर सकते हैं, हम आपको पूरी डिटेल, पूरी की पूरी डिटेल आपको फ़ोन पर बताएंगे। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है बिजनेस वे चैनल में। आज हम आपको बताएंगे स्लीपर मेकिंग मशीन के बारे में। चप्पल उद्योग से रिलेटेड कौन कौन सी मशीनें आपको चाहिए होती हैं और कौन कौन से आपको रॉ मटेरियल चाहिए होते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर